वहीं पे होगा उस पे तो नहीं वहीं पे होगा उसी में वहीं पे ये सांप जो है ना दीवार पर चढ़ने में माहिर होता है ठीक है ना तभी तो और इसका मुंह कहाँ रहा छिपकली छिपकली बहुत पसंद करता है नहीं जहर नहीं है इतना जहर वाला सांप है कौन सा करेट नहीं ये वुड स्नेक है मतलब करेट से मिलता जुलता है कोई दिक्कत नहीं होगा डिक्की में होगा डब्बा लेते हो चतरा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मिसरौल के पीटहिया गांव से ये दो स्नेक को मैं रेस्क्यू किया हूँ इसे हम ये फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ गए हैं और ये सांप नॉन विनेमस है लेकिन काफ़ी उग्र होता है ये सांप है वुल्फ स्नेक और ये करैत से मिलता जुलता है बहुत से लोग इसे करैत समझते हैं तो पर्यावरण में सांपों को होना बहुत ज़रूरी है इसे हम रिलीज करते हैं अपना नेचर में चला जाएगा तो एक सांप को हम रिलीज कर दिए हैं दोनों एक ही जगह से रेस्क्यू किए थे दूसरा सांप भी हम रिलीज कर रहे हैं तो ये भी वुल्फ स्नेक ही है ये काफ़ी उग्र स्वभाव का होता है तो इसे भी हम इस फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं अपना नेचर में चला जाएगा और मैं तमाम देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें सामाजिक दूरियां को बना के रखें क्योंकि अभी कोरोना का जो महामारी का विकट समस्या उत्पन्न हो गया है हमारे देश में या पूरे देश में उसका एक ही रास्ता है चैन को तोड़ना जब हम लोग घर में सुरक्षित रहेंगे तभी ये चैन टूट पाएगा तो मैं निवेदन करता हूँ सभी लोग घर में रहें और इस कोरोना महामारी को जड़ से ख़त्म करें और कहीं भी आप ऐसे कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना है लेकिन अगर मार्केट जाना है सब्जी खरीदने जाना है तो हमेशा मास्क को पहन कर रखिए तो इससे क्या होगा मार्केट में बहुत तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे ये तो पता नहीं चल पाता है कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है इसीलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर में रहें और स्वस्थ रहें ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी बात को फॉलो करेंगे और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे नमस्कार।